लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और नए लैपटॉप के साथ। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं डेल का इंस्पिरॉन 3535 जो डेल ने लॉन्च किया है राइजन 3 7000 प्रोसेसर के अंदर। 8GB रैम है, 512GB SSD है और विंडो 11 के अंदर लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, आज लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं डेल के और देखते हैं डेल ने इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम जितने भी नए लैपटॉप्स लॉन्च होंगे हम कोशिश करेंगे सबकी वीडियोस बनाएंगे। और हाँ, कहीं मत जाइएगा, लैपटॉप के बैक पैनल को भी आपको ओपन करके दिखाएंगे लैपटॉप के अंदर क्या क्या है, क्या क्या आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है। एज यूजुअल हर लैपटॉप के अंदर जैसे अडेप्टर और प्रीमियम पावर कोड आती है, 65 वॉट का अडेप्टर है, यूएसबी नहीं है, बेसिक लैपटॉप है। 3000 सीरीज में तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर टाइप सी का अडेप्टर देगी डेल। तो दोस्तों ये है डेल का 3000 सीरीज का न्यूली लॉन्च लैपटॉप 3535। देखिए, अगर मैं कहूं पहले क्या डिफरेंट किया है, पहले तो सबसे पहले मैं आपको कहूं, अभी तक हम देखते थे ब्लैक कलर और नेचुरल सिल्वर। आपको देखने में ये भी ब्लैक कलर ही लग रहा होगा। हाँ, ब्लैक कलर है, लेकिन पहले के ब्लैक कलर में पहले पूरे टेक्सचर के साथ आता था, अब ये कार्बन ब्लैक है और मैट फिनिश के अंदर है। बहुत डिफरेंट करा है कलर के मामले में डेल ने। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो अंदर से भी अगर आप देखेंगे, लुक काफी बेटर कर दी है डेल ने। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेसिक सीरीज के अंदर कंपनीज ने अपनी जो स्ट्रेटेजी थी, जो अब तक लेके आते जा रहे थे, उसको चेंज करने की सोची है। पहले एचपी ने अपना जो राइजन 3 और i3 लैपटॉप लॉन्च किए थे उसके अंदर भी उन्होंने अपनी लुक चेंज करी थी पूरी, और अब डेल ने भी जो हम देख रहे हैं कंप्लीटली लुक चेंज है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी भी पहले से बेटर करी है डेल ने। ओवरऑल अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो वो पहले वाले लैपटॉप की ही सेम है, ऐसा नहीं है कि इसमें और ज्यादा स्लिम हुआ है। चलिए दोस्तों लैपटॉप को ओपन करते हैं और उसके देखते हैं स्पेसिफिकेशन। उससे पहले देखेंगे इसके अंदर डेल ने कौन कौन से पोर्ट दे रखे हैं। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला पोर्ट आप देख रहे हैं वो 3.5 mm का ऑडियो जैक है। दूसरा है यूएसबी 2.0। अगला स्लॉट आप देखेंगे कार्ड रीडर 3.0। राइट साइड में जो सबसे पहला पोर्ट है वो है चार्जिंग का, लैपटॉप चार्ज करने के लिए। फिर आपको मिलेगा HDMI 1.4 आपका प्रोजेक्टर और LED TV लगाने के लिए। यहां पे आपको जो देते हैं वो है USB 3.2। एक साइड आपका मिला था 2.0, यहां पे है 3.2। अगर आपने फास्ट डाटा ट्रांसफर करना है, आपको USB है तो आप AC पे कनेक्ट करिएगा। उसके बाद एक पोर्ट और दे रखा है, वो है टाइप सी 3.2। दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो है इसके अंदर AMD Ryzen 3 7320U। जी हाँ, जिसकी बेस स्पीड 2.4 GHz है और ये टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होता है, आता है बूस्ट अप होके ये आपका जाएगा 4.1 GHz तक। कोर की बात करेंगे, 4 कोर का प्रोसेसर है और लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो इसमें आपको मिलेंगे 8, और L3 कैशे आपको मिलती है 4 MB की। मेमोरी की बात करते हैं, 8GB की इसमें रैम है। मैं आपको बता दूं जो इसके अंदर रैम है वो है 5500 MHz की। जी हाँ, और ये है LPDDR5। जी हाँ, 2 स्लॉट्स है, दोनों ही यूज्ड हैं, ऑनबोर्ड रैम है इसके अंदर भी। डिस्क की बात करेंगे, 512 GB की इसमें SSD है, कैपेसिटी आपको 477 GB की मिलती है। वाईफाई की बात करेंगे, वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5 आपको मिलता है। GPU, जी हाँ, GPU इसका आता है AMD Radeon। आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है 512 MB का। शेयर्ड GPU की बात करेंगे तो वो है 3.6 GB की, तो अगर हम टोटल करेंगे तो 4.1 GB आपको इसके अंदर ग्राफिक्स मिल जाता है। डेल इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD स्क्रीन देता है, जिसका रिजोल्यूशन 1920x1080 है, 60Hz की स्क्रीन है, एंटी ग्लेयर नॉन टच के साथ, 45% NTSC और 220 nits के साथ आपको मिलती है। कैमरे की बात करें, इसमें डेल ने 720p HD वेबकैम दिया है सिंगल डिजिटल माइक्रोफोन के साथ। तो दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके देखते हैं कि इसमें कहां कहां क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं और क्या क्या अपग्रेड हो सकता है। तो दोस्तों हमारा बैक पैनल ओपन हो गया है,
तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहां पे कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, यहां पे हमारा मदरबोर्ड है, यहां हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर कनेक्टेड है हीट सिंक के थ्रू, यहां हमारा फैन है, ये ब्लूटूथ और वाईफाई, जो हमारी रैम है हमने देखी थी LPDDR5 रैम है, ऑनबोर्ड रैम है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, दो चिप यहां लगी हुई है, यहां आपकी SSD लगी हुई है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। ये स्पेस खाली दे रखा है, मैं मतलब यही कहता हूं, यहां पे हमें कहीं भी कोई स्लॉट दिखाई नहीं दे रहा कि हम एक अलग से हार्ड डिस्क या एक अलग से SSD लगा सके। अगर यहां पे कोई भी स्लॉट होता तो इतना स्पेस है यहां पे हम लगा सकते, लेकिन हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर जैसा कि हमने बताया कि नॉन बैकलिट कीबोर्ड है, यहां पे बैकलिट के लिए स्लॉट दिया हुआ है कि अगर फ्यूचर में आप चेंज कराना चाहें तो आप बैकलिट कीबोर्ड इसके अंदर लगा सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, 3 सेल की बैटरी है 41 वर्क आवर्स के साथ, नॉर्मली बैकअप आपका 5 से 7 घंटे के आसपास मिल जाएगा। यहां आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया डेल इंस्ट्रॉन 3535 राइजन 3 7000 सीरीज 8GB रैम और 512GB SSD के साथ। देखिए, अगर मैं आपको वर्किंग के लिए कहूं तो आप इसमें जो भी काम करना चाहें बेसिक के अंदर वो आप सब कर सकते हैं, कि अगर जैसे हम कहते हैं ऑफिस से रिलेटेड जो भी होता है, आपने इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है, आपने अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग के लिए ये लैपटॉप सबसे ज्यादा यूज होते हैं, आप कोरल ड्रॉ फोटोशॉप यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी स्पीड आपकी नहीं आएगी और आपका 100% RGB इसके अंदर नहीं है तो कलर क्लैरिटी भी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं मिलेगी। आप अकाउंट्स के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज कर सकते हैं, या अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने ऑफिस का काम करना है, आपने जूम क्लास करनी है, आप ये सब काम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर 512 MB का ही डेडिकेटेड ग्राफिक्स है। अगर हम ये कहें कि 4K एडिटिंग अगर आप करना चाहेंगे, 3D Max AutoCAD चलाना चाहेंगे तो वो इस लैपटॉप पे नहीं चलेगा। अगर गेमिंग भी आप करना चाहेंगे, जस्ट लाइक वैलोरेंट हो गया या NFS हो गई, वो चल जाती है इस पे, लेकिन आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, वो फ्रेम पर सेकंड आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे। देखिए, गेम के अंदर डिफरेंट हमें स्क्रीन चाहिए होती है, 144Hz की, जो इसमें हमने देखा 60Hz की है। तो अगर आपने गेमिंग करनी है तो आप ये लैपटॉप मत लीजिएगा, बेसिक गेमिंग करनी है आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। मार्केट में ये लैपटॉप आपको 40 से 45,000 के बीच में मिल जाएगा। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो 11 SL मिलता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट एडिशन आपको इसमें लाइफ टाइम के लिए मिलता है। देखिए, कई लोगों की क्वेरी रहती है कि इसमें विंडोज 11 और जो ऑफिस है वो 1 साल बाद में रिन्यू कराना पड़ेगा, इनमें आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ता, ये लाइफ टाइम के लिए होता है, जब तक आपका लैपटॉप रहेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस इस लैपटॉप में वैलिड रहेंगे। इसके साथ ही आपको मैक कैफे 15 महीने का भी डेल आपको देता है, आप 15 महीने बाद मैक कैफे एंटीवायरस को आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। डेल इसके साथ 1 ईयर वारंटी देता है ऑन साइट, अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं। जब भी आप डेल एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे आप जरूर पूछिएगा कि एक्सटेंड कराने के क्या चार्जेस है। टाइम टू टाइम डेल ऑफर देता रहता है, कभी बैक टू स्कूल के ऑफर के नाम से, कभी बैक टू कॉलेज। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी वारंटी एक्सटेंड कराएं तो वो आप कंपनी की ही कराएं। जैसे अगर आप डेल का लैपटॉप ले रहे हैं तो डेल की ही वारंटी एक्सटेंड कराएं, और डेल एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी देता है, उसके भी नॉमिनल चार्ज आपसे लेता है 3 साल के लिए। जब आप डेल के एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो आप वहां पे जो एग्जीक्यूटिव होगा वहां पे जरूर पूछिएगा। कभी भी थर्ड पार्टी आप वारंटी अपग्रेड मत कराइएगा, आपको जब प्रॉब्लम आएगी आपके लैपटॉप में वो आपको नहीं मिलेगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अगर कहीं कुछ कवर करना रह गया हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम उसे ध्यान रखेंगे। हम कोशिश करेंगे सारा आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे लैपटॉप की, जिससे जब आप मार्केट में लेने जाएं आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो लैपटॉप को लेने में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्यूचर में भी हम जितने भी लैपटॉप लॉन्च होंगे हम पूरी ही कोशिश करेंगे कि आपको सब लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करके दिखाएं, उसकी स्पेसिफिकेशन दिखाएं, और हाँ, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको बैक पैनल ओपन करके भी दिखाएं। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।